हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर हम लोग शुरुआत किए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, और हम लोग सीखे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं, और उसमें हम लोग देखे थे चार तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, जिसमें फर्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस लेक्चर में दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और सेकेंड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों एक ही जैसा है, सिमिलर है, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। फिर इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, और उसके बाद जो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हिंदी होता है क्वथनांक का उन्नयन। तो एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक का अनमन, अनमन या डिप्रेशन बोलेंगे तो उसका मतलब होता है कम हो जाना। तो आपको बता चुके हैं, इसे पहले वाले लेक्चर में बताए थे, फिर से बता देते हैं। जब भी हम एक प्योर लिक्विड में हम नॉन वोलेटाइल अउड़नशील विलय को जब हम डालेंगे तो वो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ जाता है, और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्यों घट जाता है? क्योंकि आप जानते हैं जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम प्योर सॉल्वेंट में डालेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर में कमी होने के कारण जो सॉल्यूशन बना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। एक एग्जांपल से आप समझिए, मान लीजिए आप एक लीटर पानी लिए, वो पानी शुद्ध है, कोई चीज़ उसमें मिक्स नहीं है। अब उसमें आप क्या किए, 100 ग्राम शुगर को ऐड कर दिए। तो शुगर को अगर आप ऐड करते हैं 100 ग्राम एक लीटर पानी में, तो पहले जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट था क्वथनांक जो था कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, और उस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब जैसे ही आप 100 ग्राम शुगर को या सॉल्ट कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को अगर आप उसमें डालते हैं, अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है अब कम हो जाएगा। पहले 0 था, अब कम हो जाएगा, -1 हो सकता है या -0.5 हो सकता है या -2 हो सकता है या -3 हो सकता है या -4 हो सकता है। जितना आप चीनी को ऐड कीजिएगा उसके हिसाब से वो कम होगा, उसका भी एक लिमिटेशन होगा। ये नहीं -15 में चल जाएगा, ऐसे नहीं होगा। 0 से लेके मतलब माइनस में -5 तक आप कम कर सकते हैं लगभग जनरल में। लेकिन उसी सॉल्यूशन का अगर बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे तो पहले पानी का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब जैसे ही चीनी को ऐड किए हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड किए हैं, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से अधिक होगा, 100.5 हो सकता है सेल्सियस में, या 100.1 हो सकता है, या 100.2 हो सकता है, इस तरह बढ़ सकता है। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ यूज हो रहा है, एक फ्रीजिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दोनों का मतलब आप जानते भी होंगे और ध्यान रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वह टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टार्ट होने लगता है वेपर में बदलना। तो वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में बदलने लगता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और इस टेम्परेचर पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो और जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है दोनों बराबर हो जाता है। तो दोनों बराबर हो जाएगा तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और उस पे लिक्विड और जो वेपर है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, ध्यान रखेंगे। तो आपको सिंपल में ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया वह ताप, वह टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बदलने लगता है किसमें, भाप में, वेपर में। और एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का अगर बात करेंगे तो वह टेम्परेचर जिस पे लिक्विड सॉलिड में बदलने लगता है। तो जब लिक्विड सॉलिड में बदलने लगेगा उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे पानी है लिक्विड फॉर्म में, जब उसको हम कूल करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे,
तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। तो जिस ताप पे वो स्टार्ट होने लगता है लिक्विड से सॉलिड में, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। और फ्रीजिंग पॉइंट में जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का और सॉलिड का, दोनों का हो जाता है बराबर हो जाता है। और इस केस में लिक्विड और जो सॉलिड होगा वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल में ध्यान रखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हो जाएगा वह टेम्परेचर जिस पे लिक्विड किस में बदलने लगता है, सॉलिड में। और बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे वह टेम्परेचर जिस पे लिक्विड किस में बदलने लगता है, वेपर में। तो लिक्विड से वेपर बदलेगा तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, और लिक्विड से सॉलिड बदलेगा तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है। चलिए अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अब आपको समझा दिए, जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम लोग डालेंगे किसी प्योर सॉल्वेंट में तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसी को हम लिख देते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन ए प्योर सॉल्वेंट देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज एंड द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल टी बी। उसी तरह इसका डिफिनेशन लिखेंगे, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन ए प्योर सॉल्वेंट देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज एंड द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए इसके हिंदी लिख देते हैं, हो गया। अब इसका हिंदी लिख के ये डिफिनेशन क्या कहता है आपको हम समझा दें। चलिए अब दोनों का डिफिनेशन समझते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है, डिफिनेशन होता है, जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक प्योर सॉल्वेंट में डालेंगे, घोलेंगे, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखेंगे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो आता है डिफरेंस, उसी को हम लोग बोलते हैं
क्या बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेम टू सेम इधर हो जाएगा, इधर फ्रीजिंग पॉइंट का होता है सॉल्यूशन का कम हो जाता है। तो जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में शुद्ध विलायक में डालेंगे घोलेंगे तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है कम हो जाता है, किस से सॉल्वेंट से। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हो गया सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का जो अंतर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग अंतर किसका निकालेंगे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और यहां पे हम लोग किसका अंतर निकालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट का, किसका, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों में ध्यान रखेंगे, यहां पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है लेकिन यहां पे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, घट गया है, वही लिखे हैं। दूसरा ध्यान रखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीएफ से। तो वही हिंदी में भी लिख चुके हैं, ठीक है। जब किसी शुद्ध विलायक में एक उड़नशील विलय को घोलते हैं तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है तथा विलयन एवं विलायक के क्वथनांकों के अंतर को क्वथनांक का उनियन हम लोग कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे हम लिख दिए किसके लिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। चलिए इसको कॉपी कीजिए, अब हम लोग कुछ फॉर्मूला बनाते हैं। तो यहां पे हम लोग मान लेते हैं लेट टी बी नॉट, नॉट जब भी लगाते हैं आपको याद है नॉट किस में लगाते हैं, प्योर में। तो टी बी नॉट हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट भी आप लिख सकते हैं। सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको डिनोट करेंगे टी बी नॉट, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। नॉट जब भी लगाएंगे सॉल्यूशन चैप्टर में तो किस में लगाएंगे, जो प्योर है। और टी बी नॉट अगर नहीं लगाएंगे तो वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का। चलिए टी बी नॉट बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, शुद्ध विलायक का, और टी बी बॉइलिंग पॉइंट है विलयन का, सॉल्यूशन का। तो आप जानते हैं सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे, सॉल्वेंट से। देन चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कितना का चेंज आया, तो चेंज निकालने के लिए ज्यादा में से कम को घटा लीजिए, तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटाएंगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर आएगा इसी को तो हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इस अंतर को डिनोट करेंगे, पहले बता चुके हैं डेल्टा टी बी, और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का डिनोट करेंगे टी बी माइनस टी नॉट बी, इसी को ध्यान रखेंगे। तो डेल्टा टी बी का मतलब हो गया, क्या बोलेंगे इसको, ये अंतर है किसका, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और किसका, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। दोनों का अंतर को किसे डिनोट करेंगे, डेल्टा टी बी, और इसी को हम लोग बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यहां पे सब इन लिख दिए हैं तो ध्यान रखिएगा, आप इन भी लिख सकते हैं लेकिन कहीं कहीं ऑफ भी रहता है तो आप ये क्लियर कर लीजिएगा, दोनों सही है। तो डेल्टा टी बी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और टी बी जो है ये क्लियर है, ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का, और ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का। सेम टू सेम उधर हम लोग लिख सकते हैं, अब टी बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसी तरह यहां पे लिखेंगे हम लोग टी एफ, बी से बॉइलिंग पॉइंट, टी से टेम्परेचर, अब टी से टेम्परेचर और एफ से फ्रीजिंग पॉइंट, तो टी नॉट एफ लिखेंगे तो इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, एफ पी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट
और टी एफ का मतलब हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब दोनों का अंतर निकालिए, तो यहां पे आप जान रहे हैं, यहां पे आप क्या जान रहे हैं, यहां पे आप जान रहे हैं टी बी जो है सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा है किससे, जो सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट से। और यहां पे आप क्या जान रहे हैं, यहां पे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, तो अंतर निकालेंगे। देन चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट का अंतर निकालिए, तो ज्यादा माइनस कम। अब ज्यादा किसका है, सॉल्वेंट का ज्यादा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटाएंगे, वो जो अंतर आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, उसी को ना बोलते हैं। क्योंकि यहां पे कौन ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा यहां पे ज्यादा कौन है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है किससे, सॉल्यूशन से। अब इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो चेंज आया उसको हम लोग किसे डिनोट करेंगे, डेल टी एफ से, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टी नॉट एफ माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी एफ। हो गया, सब क्लियर है। और यहां पे ध्यान रखेंगे टी नॉट एफ ज्यादा है किसे, टी एफ से। तो टी नॉट एफ ज्यादा है टी एफ से, टी नॉट एफ मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और टी एफ मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों में बस फॉर्मूला में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटाएंगे, और यहाँ पे सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है सॉल्वेंट से, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है किससे, सॉल्वेंट से, इसका ध्यान रखें। चलिए इसको कॉपी कीजिए, ये फॉर्मूला है, इसे एक और फॉर्मूला हम बनाते हैं। हो गया, दोनों को एक साथ याद रखिएगा, दोनों एक ही जैसा है। चलिए अब एक फॉर्मूला बनेगा फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसमें भी लिखेंगे फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट रहेगा, डाइल्यूट मतलब तनु, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब हो गया जिसमें सॉल्यूट का मात्रा बहुत बहुत कम हो, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलालिटी के, ध्यान रखेंगे किसके, मोलालिटी किसका, सॉल्यूशन का, और मोलालिटी को किसे डिनोट करेंगे, स्मॉल एम। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है डेल्टा टी एफ जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलालिटी के, ध्यान रखेंगे। दोनों मोलालिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कब, जब डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए डेल्टा टी बी, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के बी, के बी क्या है आपको हम बताएंगे, के बी, और मोलालिटी को क्या लिख सकते हैं, एम, ध्यान रखेंगे स्मॉल एम, बड़ा एम लिखते हैं तो मोलालिटी हो जाता है, ये स्मॉल एम। तो डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के बी इंटू एम, के बी एक कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब क्या हम आपको समझाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा या डेल टी एफ इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा के एफ इंटू एम, एम मतलब मोलालिटी। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे डेल्टा टी बी, और डेल्टा टी बी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखेंगे टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू के बी इंटू एम, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये
टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू क्या होगा, के बी इंटू एम। ये आपको याद रखना है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, ये किसके बराबर हो जाएगा, के बी इंटू एम। के बी एक कॉन्स्टेंट है, इसका क्या मतलब है आपको हम समझाएंगे। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ को क्या लिख सकते हैं, टी नॉट एफ माइनस टी एफ और इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू एम। इसको आपको याद रखना है, दोनों एक ही जैसा है। तो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू एम। इसका हम लोग ध्यान रखें। अब आपको मोलालिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, मोलालिटी में को तोड़ना है तो यहाँ पे तोड़ देते हैं, लेकिन आप उसका फॉर्मूला आप जानते हैं तो इसी को हम लोग आगे लिख सकते हैं, टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। आप जानते हैं मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में होगा तो 1000 से डिवाइड करते हैं, याद है। तो ऊपर लिखेंगे सॉल्यूट का मोल, तो सॉल्यूट का मोल कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट का मास बट्टा सॉल्यूट का मोलर मास, तो सॉल्यूट का मास कितना होगा डब्ल्यू बी और उसका मोलर मास कितना होगा एम बी। और नीचे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट के मास को किसे डिनोट करते हैं डब्ल्यू ए से, हो गया सॉल्वेंट का मास, ग्राम में होगा तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी फॉर्मूला को ये हम बना दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है लेकिन ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो इसी को आप लिख सकते हैं टी बी माइनस टी नॉट बी क्या हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी इंटू 1000। यहाँ पे ध्यान रखेंगे डब्ल्यू बी जो है सॉल्यूट का मास है, डब्ल्यू ए सॉल्वेंट का मास है, एम बी सॉल्यूट का मोलर मास है, और 1000 से मल्टीप्लाई करें कब, जब सॉल्वेंट का मास ग्राम में होगा तब। ये एक फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे हम इसी से करेंगे। दिस ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, यू हैव टू मस्ट रिमेंबर दिस एंड दिस फॉर्मूला टुगेदर बिकॉज दीज आर सिमिलर टू इच अदर। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, एक ही जैसा है, दोनों को एक साथ याद रखेंगे। अब इसी को तोड़ के ऐसा हम बना सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ, और मोलालिटी का वही फॉर्मूला आप लिख सकते हैं सेम टू सेम, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी इंटू 1000। हो गया, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये आपको याद रखना है, तो ये फॉर्मूला आपको मस्ट याद रखना है और ये फॉर्मूला मस्ट याद रखना है, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बराबर के बी इंटू एम। तो ये दोनों फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, दोनों एक ही तरह फॉर्मूला है, टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू होगा के बी इंटू एम, और टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू एम। अब के बी और के एफ क्या है उसको आप समझ लीजिए, एक है के बी और एक है के एफ। तो के बी को हम लोग बोलते हैं, के बी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट। तो के बी को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, या इसी का एक और नाम है मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, इसका हिंदी में लिखा देते हैं। और के एफ को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, सेम टू सेम बोलना है, फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन बोले, यहां पे क्या बोलेंगे डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, या इसी को एक और नाम बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट बोलिए, और के बी को बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट या मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट बोलेंगे। और दोनों को ध्यान रखेंगे, ये दोनों जो है ये कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट,
डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेंगे, मतलब विलायक के प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ध्यान रखेंगे, इसी का हिंदी जो होगा बॉइलिंग पॉइंट का हिंदी क्या होता है, क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक न कह के हम लोग बोल सकते हैं मोलल। तो केबी को हिंदी में क्या बोलेंगे, क्वथनांक उनियन स्थिरांक, कांस्टेंट मतलब होता है स्थिरांक, एलिवेशन मतलब उनियन, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक या मोलल बोल सकते हैं आप। और फ्रीजिंग पॉइंट का हिंदी क्या होता है, हिमांक, तो इसको क्या बोलेंगे हिमांक। डिप्रेशन मतलब क्या होता है, अनमन, अनमन, और कांस्टेंट का हिंदी स्थिरांक। तो इसको हम लोग बोलेंगे, केफ को हिंदी में बोलेंगे हिमांक अनमन स्थिरांक, या हिमांक न कह के हम लोग क्या बोल सकते हैं मोलल, क्या बोल सकते हैं मोलल अनमन स्थिरांक। तो ये आपको याद रखना है, तो मेन आपको फॉर्मूला याद रखना है दोनों का, एक डेल्टा टीएफ का और एक डेल्टा टीबी पे, और इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आपको इसी लेक्चर में हम बताएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। चलिए इसको कॉपी कीजिए। लास्ट बात ध्यान रखेंगे, केबी और केएफ का जो यूनिट होता है दोनों सेम होता है, और यूनिट दोनों का क्या होता है, के केजी पर मोल, के से हो गया केल्विन, केजी से मास, और मोल हो गया मोल का। तो ये ध्यान रखेंगे, तो दोनों का यूनिट हो जाएगा के केजी पर मोल। एकदम सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एकदम कोई पैसा नहीं लगेगा, रेड कलर का बटन है लिखा होगा सब्सक्राइब दबा दीजिए, एकदम फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और जोड़िए, जितना आप सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा उतना हम लोगों का हिम्मत बढ़ेगा और आपके लिए हम लोग और मेहनत करेंगे।